बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हूँ मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग सामाजिक विचारक में राधा कमल मुखर्जी को पढ़ रहे हैं। आपने जाना कि मूल्य क्या होते हैं और मूल्य की क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या समझ में आया? आचरण के वे तरीके जो समाज या संस्कृति द्वारा स्वीकृत होते हैं और मानव उन्हें अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जिनको स्वीकार करता है। अब यहाँ एक चरण है कि वो उनके कितने सोपान हैं या कितने स्टेप हैं, कितने चरण हैं, और दूसरा है कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, हमें उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपने जाना कि किसी भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अशांति ना हो, अव्यवस्था ना हो, असुरक्षा ना हो, इसको टालने के लिए या इसको सही रूप में व्यवस्थित करने के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ मानदंड, इच्छाएं एवं लक्ष्य विकसित किए जाते हैं और वे समाज में तब तक प्रचलित रहते हैं जब तक कि वो मानव की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, समाज कल्याण में सहायता करते हैं, समाज को व्यवस्थित बनाते हैं, समाज में व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, समाज संगठित रहता है, और जब इसके विपरीत होने लगता है तो वो नियम परिवर्तित होने लगते हैं या वो कुरीतियाँ या विरोध उनका प्रारंभ हो जाता है तो सब वो बदलने यानी परिवर्तन उनमें होता रहता है। मनुष्य को ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपने देखा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अंत्यक्रिया के फलस्वरूप होती है, यानी मनुष्य मनुष्य घर में बाहर सबके साथ अंत्यक्रिया करता है और धीरे धीरे करके ये एक के द्वारा दूसरे, दूसरे से समूह में और अन्य समूह में फैलते चले जाते हैं। मुखर्जी कहते हैं मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से का मतलब जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ है, सबसे पहले हमें उसी परिस्थितिगत पर्यावरण से संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। अपने पर्यावरण से जैसा हमारे हम आसपास देख रहे हैं वैसा ही काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति समाज के विपरीत तब तक जाने का प्रयत्न नहीं करता जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। अपने आप से, समाज और संस्कृति से नहीं अपितु मानव अस्तित्व अनुभव से प्राप्त होते हैं। मुखर्जी ने कहा मनुष्य को मूल अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं अपितु मानव अस्तित्व अनुभव से प्राप्त होते हैं। कई बार हम स्वयं जब हम देखते हैं कि जब हमारा विवेक हमें इसकी स्वीकृति नहीं देता है तो कई बार बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं और हम स्वयं देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे जीवन में हमें नुकसान पहुंचा रही हैं तो हम आँख मूंद कर अंधानुकरण करने से उनसे बचें। यानी सीखना कुछ भी बुरा नहीं है, बस बुरी चीज़ क्या है, अंधानुकरण बुरा है। आपने देखा कि राधा कमल मुखर्जी पूर्व और पाश्चात्य के विचारों का समन्वय था, तो यानी न तो वो बुरा है। कल आपने जाना कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज सबके अपने अपने मूल्य अलग अलग होते हैं, मूल्य भिन्न होते हैं, तो ना तो वो बुरा है ना हमारा बुरा है, तो दोनों के मध्य हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। अब आप जानिए मूल्यों का सोपान या स्तर। मुखर्जी कहते हैं कि सभी मूल्य समान स्तर के नहीं होते, वरन उनमें भी सोपान या संस्तरण होता है। संस्तरण शब्द आपने फर्स्ट ईयर में प्रस्तुति और इन सब में पढ़ा है। संस्तरण उच्चता और निम्नता का क्रम, आपने देखा है कि या तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, यानी एक संस्तरण एक निश्चित क्रम में होता है, पहले छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, या ऊपर से देखें तो ऊपर। तो मूल्यों का ये स्तर सामाजिक संगठन के स्तरों पर निर्भर करता है, यानी जैसा समाज का संगठन होगा वैसा ही सामाजिक ये मूल्यों का स्तर भी होगा। मुखर्जी कहते हैं कि प्रारंभ में सामाजिक संगठन में जब नैतिकता का अभाव पाया जाता था तो धीरे धीरे नैतिकतावादी मूल्य हुए और वो फिर वो सर्वोच्च मूल्य बन गए और फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े या हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो उन्होंने चार सामाजिक संगठन और उससे संबद्ध मूल्यों को चार स्तरों में विभाजित किया है। ये चार याद रखने हैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, भीड़, स्वार्थ समूह, समाज या समुदाय या सामूहिकता, ये चार स्तर हैं। पहले
प्रारंभिक से चल रहे हैं, भीड़, स्वार्थ समूह, समाज या समुदाय या सामूहिकता। देखिए मुखर्जी ने कहा सबसे पहले भीड़, भीड़ समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत सारे लोगों का एक जगह संगठित इकट्ठा होना, उसको हम भीड़ कहते हैं समाज शास्त्रीय अर्थ में। वो कहते हैं कि भीड़ वाला व्यवहार कहाँ पर था, आदिम समाज में, यानी हम सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं, दुर्खिम वाले क्रम से समझे। उस समय नैतिक मान्यताओं और विवेक की अपेक्षा भावनाओं का साम्राज्य होता था, यानी ऐसे समझे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, भीड़ में क्या है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई मानदंड नहीं है, मॉब है, उत्तेजना है, भावुकता है, किसी एक ने कहा इसे मारो, तो बिना सोचे समझे जिसने कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तेज नहीं बोला, वो भी उस समय उसको मार के आ जाएगा, एक एक थप्पड़ या एक चीज़ वो भी मार देगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसमें क्या है, अनुकरण है। जैसे आपने सड़क पे किसी ने कहा लोग भाग रहे हैं, पूछो क्यों भाग रहे हैं, कोई ये विचार नहीं करता क्यों भाग रहे हैं, एक भाग रहा है पीछे, दूसरा, तीसरा, सब भागते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से भीड़ का क्या है, भीड़ का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है, लोग इसीलिए भीड़ में मूल्य मानदंड एवं आदर्शों का पूर्णतः अभाव है। यानी भीड़ क्या है, हमें हमारी उस प्रवृत्ति को प्रकट करता है कि जब हम नैतिकता से बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में थे, आदिम प्रवृत्तियों वाले। फिर वो कहते हैं कि स्वार्थ समूह, उन्होंने कहा सामाजिक संगठन में फिर क्या आया, आदिम समाज से हम धीरे धीरे करके हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह का निर्माण किया, उद्देश्यों की पूर्ति, इसलिए स्वार्थ समूह का इस प्रकार के मूल्य से जिसमें सभी व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, है ना, सभी व्यक्ति नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं एक छात्र संघ, शिक्षक संघ, डॉक्टर संघ, अलग अलग, तो हमने अलग अलग जो समूह बनाए उनका संबंध किससे, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ हो गया कि स्वार्थ समूह उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया और मिलजुल कर काम किया, लोगों में चेतना का विकास किया, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारे समूह स्वार्थ समूहों के उदाहरण हैं। तो उसमें तब तक नियमों की पालना हो रही है जब तक कि वो एक दूसरे उस समूह से जुड़े हुए हैं। तीसरा देखिए, समाज या समुदाय, अब आया समाज या समुदाय और बड़ा समूह हो गया, जो स्वार्थ समूहों की अपेक्षा और अधिक विस्तृत हो गया, जिसमें तर्क भी है, नैतिकता भी है, सब है। समुदाय क्या हो गया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, यानी बाद में और बड़ा हो गया, उसमें समानता, न्याय, ये मूल्य भी हो गए और लोग एक दूसरे के अपने हित को भी ध्यान में रख रहे हैं और दूसरे के हित को भी ध्यान में रख रहे हैं। अब चौथा आया सामूहिकता। सामूहिकता ये इसमें पूरी तरह मूल्य है। सामूहिकता मानव समाज का सर्वोच्च संगठन है, ये सामाजिक संगठन का सुदृढ़ और सार्वभौमिक रूप है, यानी तीनों क्रम से बढ़ते हुए आप आए, भीड़ से आए, स्वार्थ समूह से आए, आगे बढ़े समुदाय या समाज पर आए और अब आया सामूहिकता पर। सामूहिकता में सर्वोच्च प्रकार के मूल्य देखे जा सकते हैं, यानी वहाँ पर व्यक्ति, उनमें प्रेम, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सभी की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, साथ ही स्वार्थ पर परार्थ की विजय भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से मूल्यों का सोपान या स्तर है।